गेट के सामने से गर्दी कम करो, पीछे जाओ. Once I'm done with that shot, I'm done with them. Action! अरे यार आप साइड में. And cut. दशकों में कोई एक ऐसी फिल्म आती है जो हमारे दिल और दिमाग को एक साथ छू जाती है. 2009 में आई थी आमिर खान की फिल्म थ्री इडियट्स और अब 2023 में विक्रांत मसे की 12th फेल. इन दोनों फिल्मों में एक चीज कॉमन है और वो है ब्रिलियंट मैन विधु विनोद चोपड़ा. 12th फेल मूवी को उन्होंने इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया है कि इसे देखने के बाद हर कोई अपने आप से रिलेट कर पा रहा है. तो चलिए देखते हैं इस मस्ट वॉच मूवी 12th फेल के कुछ बिहाइंड द सीन्स और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से लोकेशंस पर इस मूवी को शूट किया गया है. साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए मेकर्स को क्या क्या करना पड़ा. तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निगम क्रिएशंस पर. जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12th फेल एक रियल लाइफ स्टोरी है जो कि बेस्ड है मनोज कुमार शर्मा पर, जिन्होंने अत्यधिक गरीब परिस्थितियों के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक किया और IPS ऑफिसर बने. इस मूवी की स्टोरी राइटर्स ने अनुराग पाठक जी की लिखी हुई बुक 12th फेल से ली है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विक्रांत इनटू मनोज. विक्रांत मसे ने जिस परफेक्शन के साथ मनोज कुमार शर्मा के इस कैरेक्टर को प्ले किया है वो शायद ही कोई और कर पाता. उस रोल के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी. एक्चुअल शूट शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर विधु चोपड़ा विक्रांत मसे और मूवी के कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस गांव में आए थे. ये मध्य प्रदेश का रेहा विलेज है जो कि चंबल एरिया के पास है और यहीं पर इस मूवी के सारे गांव वाले सीन्स शूट हुए थे. मनोज का ये गांव वाला लुक जो हमें इतना परफेक्ट दिखता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था. वो हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली खुद को टैन कर लिया था जस्ट टू अचीव दैट परफेक्ट लुक. लेकिन ज्यादा धूप की वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी कि वो जली हुई लग रही थी और ये कुछ सीन्स में एविडेंट भी है. फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जहाँ मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है ये कहकर खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो. एंड देन ये वाला सीन मेंस एग्जाम में फेल होने के बाद जब मनोज श्रद्धा के घर मसूरी जाते हैं, उस सीन में भी उनकी बर्न्ड स्किन हमें क्लियरली दिखती है. इसे वो लोग मेकअप से कवर डेफिनेटली कर सकते थे लेकिन विक्रांत ने कहा कि इसे एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि उस सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम और विक्रांत भी उस वक्त बर्न्ड स्किन की वजह से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे. इस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर पा रहे थे. बाय द वे अगर मेकर्स चाहते तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग के वक्त भी स्किन को क्लियर और लाइटन कर सकते थे बट दे हैड डिसाइडेड टू कीप इट नेचुरल. मध्य प्रदेश के उस रेहा गांव में शूट हुए सीन्स के ये रहे कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप जिसमें 12वीं क्लास में पास होने के लिए मनोज पर्चियां बना रहा होता है. देखिए DOP ने कैसे उसे अपर एंगल से शूट किया था और तब इतना भारी वजन का कैमरा उन्होंने अपनी कमर से बांधा हुआ था. मेकिंग ऑफ चीटिंग सीन. ये जो चीटिंग वाला सीन है इसे शूट करते वक्त डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा जी को काफी तकलीफ हुई थी क्योंकि इस लोकेशन के साथ साथ हमें इसमें दिख रहे सभी स्टूडेंट्स रियल हैं. जूनियर आर्टिस्ट को पता होता है कि शूटिंग के टाइम कैसे बिहेव करना है और भीड़ वाले सीन्स में उनकी नजर कैमरे की तरफ होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन इन स्टूडेंट्स को बार बार बताने के बावजूद भी वो वही गलती दोहरा रहे थे और फाइनली जैसे तैसे उन्हें कसम देकर डायरेक्टर साहब ने उनसे ये एग्जाम वाला सीन शूट करवाया था. कैमरेमैन नहीं देखो एंड कट वन मोर कलाकारी दिखा रहे लेकिन कैमरे में नहीं देख. ए कैमरे में कट. सारे लोग बोलो कसम खाओ पहले सब लोग ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाते हो तुम इधर रख के बोलो मैं कसम खाता हूं कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा. बिल्कुल मास्टरिंग अ जुगाड़ ड्राइविंग टोटल इसमें चारों रिवर्स
ये जो सवारी थी उसे गांव वाले लोग जुगाड़ कहते हैं, क्योंकि इसे किसी कंपनी में नहीं बल्कि गांव के किसी बुद्धिमान आदमी ने लिमिटेड रिसोर्सेज से जुगाड़ करके बनाया होता है। इन जुगाड़ू चीजों को चलाना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना इसका इनोवेशन। घर के खर्चे निकालने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड़ को चलाते हैं। इन कुछ सीन्स के लिए मनोज के भाई का रोल प्ले कर रहे एक्टर राहुल कुमार ने स्पेसिफिकली ये जुगाड़ चलाना सीखा था, और तब जाके इसके कुछ सीन्स उसी एमपी के गांव रेहा में शूट किए थे। पहले दिन तो मुझे बहुत तंग किया इस अफलातून ने, लेकिन हाँ धीरे धीरे पकड़ में आई। मेकिंग अ सेटअप एट मुखर्जी नगर। जब मनोज अपने नए नवेली दोस्त पांडे के साथ आईपीएस बनने दिल्ली आता है, तब वो वहाँ लगे हुए सब कोचिंग के एडवर्टाइजमेंट्स वाले ढेर सारे बैनर्स और पोस्टर्स देखता है। उसी के साथ वो मुखर्जी नगर की भीड़ भी देखता है और अपने दोस्त से कहता है, इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? Well, ये सब जो बैनर्स वहाँ लगे हुए हैं, वो मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर टीम की ही बनाई हुई है। इस सीन को दिल्ली के मुखर्जी नगर में ही शूट किया गया था, जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हब भी कहा जाता है। नंबर 5, मेकिंग इट रेन ऑन अ सनी डे। ये सीन तो आपको जरूर याद होगा। श्रद्धा की इस कोचिंग क्लास में मनोज से मुलाकात होने के बाद कुछ दिनों बाद वो उसे ढूंढते हुए विद्या वाचनालय आती है। यहाँ इस सीन की रिक्वायरमेंट थी बारिश का मौसम, मगर शूटिंग के दिनों में यहाँ तेज धूप पड़ रही थी। इस सीन के लिए टीम ने 2 रेन मशीन का यूज किया था, और जब श्रद्धा इस लाइब्रेरी में एंटर हो रही थी, तब हम देख सकते हैं कि उस सीन को कैसे शूट किया जा रहा है। नंबर 6, मेधा सैंग अ सॉन्ग इन रियलिटी। इस ट्रूथ एंड डेयर सीन में जब श्रद्धा पर गाना गाने का डेयर आता है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आवाज ना श्रेया घोषाल की है ना किसी और प्लेबैक सिंगर की, बल्कि इसे खुद मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस मेधा शंकर ने ही गाया है, और वो भी ऑन लाइव लोकेशन। इससे हम समझ सकते हैं कि ये मूवी कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ बनाई गई है। जब कास्ट एंड क्रू में से कोई भी कोई अच्छा काम करता था, तो डायरेक्टर विधु उसे 20 रुपए एज अ रिवॉर्ड देते थे, एज अ मार्क ऑफ गुड जॉब दैट समबडी हैड डन। जब इस पर्टिकुलर सीन का शूट खत्म हुआ, तो विधु जी ने मेधा को 100 रुपए दिए थे, विच वॉज 5 टाइम्स ऑफ हिज रेगुलर रिवॉर्ड। इनडीड इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि सच में यहाँ पे मेधा जी की परफॉर्मेंस हार्ट स्टीलिंग थी। 100 रुपीज, वाह वाह, मैंने कि 100 रुपीज यू नो आई नाइस इट, वाह। ये सीन दिल्ली के दिल्ली हार्ट इस रियल लोकेशन पर शूट हुआ था। इस सीन को अगर आपने गौर से देखा हो, तो आपको रियल कपल मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी भी यहाँ पीछे बैठे हुए दिखाई देंगे। इन दोनों को बैकग्राउंड में आउट ऑफ फोकस ही क्यों ना हो, लेकिन इस मूवी का हिस्सा बनाना था, और ये आइडिया डायरेक्टर विधु जी का ही था। इस सॉन्ग को फिर बाद में मेधा जी की आवाज में एज अ फिल्म वर्जन भी रिकॉर्ड किया गया था। नंबर 7, रजनीश ट्रांसफॉर्मेशन। फिल्म के सभी कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एजिंग की जा रही थी और उनके लुक चेंज किए जा रहे थे, लेकिन जब मनोज की छोटी बहन रजनी की बात आई, तो उसे छोटा बड़ा कैसे दिखाया जाए, ये चैलेंज मेकर्स के सामने था। इसकी तो कोई छोटी बहन भी नहीं थी जिसे वो छोटी रजनी दिखाते, लेकिन हाँ इसका एक छोटा भाई जरूर था, तो उन्होंने उस पर ही एक्सपेरिमेंट किया और उस लड़के को ही छोटी रजनी बनाकर शूट किया। और क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे, उनके फेस कट्स अच्छे से मैच हो रहे थे, और कुछ इस तरह उन्होंने रजनी के कैरेक्टर में ऑथेंटिसिटी मेंटेन की थी। नंबर 8, स्पेशल अपीयरेंस ऑफ डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति। हम सब इससे वाकिफ हैं कि 12th फेल में दृष्टि आईएएस के फाउंडर एंड कोच विकास सर का स्पेशल अपीयरेंस है। डायरेक्टर ने एक्शन बोलते ही विकास सर की क्लासरूम में एंट्री हो जाती है। सर आगे जाकर स्टूडेंट्स को सिविल सर्वेंट का महत्व समझाते हैं। एंड एक्शन, आइए विकास सर, वेरी गुड, वॉक फास्ट। आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। और फिर एक दिन आएगा जब आप मुझसे मिलने आएंगे, आप नहीं मैं खड़ा हूं। जब ये शॉट फाइनलाइज हुआ, तो डायरेक्टर विधु जी ने विकास सर को गले लगाया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, सुनिए। I've been making movies for 50 years now, but this is the, one of the best crowd scenes I've handled. I am so worried about the looks.
and none of you look at the camera. So hats off to you. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी के कुछ सीन्स और डायलॉग्स विकास सर ने खुद ही लिखे हैं, खास करके ये लास्ट वाला इंटरव्यू वाला सीन। वेल, 12th फेल को पहले राजकुमार ईरानी डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन इसे लिखते लिखते विधु जी इन कैरेक्टर्स से कुछ इस तरह अटैच हुए कि उन्होंने इसे खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला किया। यूजुअली विधु विनोद चोपड़ा अपने फ्रेंड्स राजकुमार ईरानी और अभिजात जोशी के साथ कोलैबोरेट करके लिखते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में वो दोनों डंकी पर काम करने में बिजी थे। काश राजकुमार ईरानी डंकी की बजाय 12th फेल को डायरेक्ट करते, उनकी डंकी ने तोड़ी हुई ब्लॉकबस्टर की स्ट्रीक टूटने से तो बच जाती। शूटिंग एट यूपीएससी हेडक्वार्टर, क्लाइमेक्स में जब यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद मनोज को जो इंटरव्यू कॉल आता है, तब मनोज के साथ श्रद्धा उसे यूपीएससी हाउस तक छोड़ने आती है। यहाँ गेट के बाहर जितने भी सीन्स हैं, इन्हें रियल लोकेशन दिल्ली के धौलपुर हाउस पर ही शूट किया गया है। ये वही जगह है जहाँ पर यूपीएससी के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, और यहाँ पर मूवी को शूट करने के लिए मेकर्स को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद के जितने भी अंदर वाले सीन्स हैं, उन्हें वहाँ शूट के लिए परमिशन नहीं मिली, और इसी के कारण उन्होंने ये सारे सीन्स इसी हाउस के रेप्लिका में शूट किए थे। ये एग्जैक्ट रेप्लिका न्यू दिल्ली में रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। मेकिंग ऑफ द सॉन्ग रीस्टार्ट, बॉलीवुड में जो पहले कभी ना बना हो, कुछ ऐसा एंथम सॉन्ग डायरेक्टर विधु जी को इस 12th फेल मूवी के लिए बनाना था, जैसे कि कोई कमरे में गा रहा हो, थोड़ा सुरीला और थोड़ा बेसुरा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तो शांतनु मोइत्रा ने इस रीस्टार्ट सॉन्ग को कंपोज किया था, और देखिए इसे कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। विधु जी ने इसे उनके असिस्टेंट डायरेक्टर से रिकॉर्ड करवाया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये लोगों का गाना है तो लोगों को ही गाना। डिटेलिंग इन द शॉट्स, 12th फेल को कम्प्लीटली ऑथेंटिक बनाती है इस पर की गई डिटेलिंग। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के कुछ डिटेल्ड सीन्स की। सबसे बेस्ट चीज ये थी कि मनोज कुमार शर्मा और श्रद्धा जोशी, इन दोनों के भी रियल लाइफ के नेम्स मूवी में भी एज इट इज रखे गए थे। मनोज गरीब घर से बिलोंग करता है, तो उसके सभी सॉन्ग्स हमें क्लासिकल बैकग्राउंड म्यूजिक के ही सुनने को मिलते हैं। तो पैसा। और श्रद्धा के सोलो सॉन्ग्स पर मॉडर्न म्यूजिक का लहजा है। तुम नजर से बोलो ना। लेकिन जब वो दोनों साथ में आ जाते हैं, तब इन दोनों क्लासिकल और मॉडर्न म्यूजिक को ब्यूटीफुली कंबाइन करके प्रेजेंट किया गया है। अब जाओ, पलट दो दुनिया। विल यू मैरी मी मनोज। श्रद्धा डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद जब मनोज के इंटरव्यू के दिन दिल्ली आती है, जिस व्हाइट एम्बेसडर कार में वो दोनों यूपीएससी के लिए ट्रैवल करते हैं, उस कार के नंबर प्लेट की शुरुआत यूए यानी कि तब के उत्तरांचल और आज के उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है। 12th फेल के ऑलमोस्ट सभी सीन्स रियल लोकेशन पर ही शूट हुए हैं। हालांकि गांव वाले सभी सीन्स को डायरेक्टर और टीम इजीली मुंबई फिल्म सिटी में शूट कर सकते थे, बट दे डिसाइडेड टू शूट इट इन द रियल विलेज ऑफ रेहा जस्ट टू बी अ लॉट मोर ऑथेंटिक। ये पहली ऐसी फिल्म है जो रियल मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में शूट हुई है, और वो भी रियल यूपीएससी स्टूडेंट्स के बीच। मुखर्जी नगर में हर हिंदी मीडियम का वो बच्चा था जो अपने गांव में ये भूल के आया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मैं भी एक। इस मूवी का हर एक सीन डिटेल है, जिन्हें डायरेक्टर और उनकी टीम ने काफी मेहनत और ध्यान से बनाया है। हार नहीं मानूंगा 12th फेल रीस्टार्ट बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। इसका माने क्या है? हजारों कहानियों से प्रेरित है। तो हजारों कहानियां किनकी कहानियां है? वो आपकी कहानी है, और वो पोस्टर में आप ढूंढते रहिएगा कि हीरो कहाँ है, वो आपको नजर नहीं आएगा। एक्चुअली इसमें अगर हम स्पॉट द हीरो कॉन्टेस्ट करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि है कहाँ। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें तो एरो लगाया है हमने आपके लिए कि आप ढूंढ लें कि हीरो कहाँ। ये होते हैं रियल हीरो, हजारों में से एक मनोज, जैसे हजारों लोगों लाखों लोगों में आप एक। कई लोगों ने कहा कि सुनता हीरो जो गौरी भैया है, कोई कहता पांडे है, कोई कहता मनोज है, कई कहते श्रद्धा है। तो जब आप ये फिल्म देखें तो हमको जरूर बताइएगा कि आपकी नजरों में इस फिल्म का सही हीरो कौन। मैं भी हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है मैं, तो वो बता दीजिए। 12th फेल 27th अक्टूबर 2023 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। रिलीज पर क्रिटिक्स ने तो इसे अच्छा रिस्पांस दिया ही था, लेकिन पब्लिक ने भी इसके तारीफों के पुल बांध दिए थे। यही नहीं बल्कि कमल हासन सर ने भी 12th फेल देखने के बाद तारीफ भी की थी। नमस्ते, आई एम
talking from the NFDC theater in Chennai, where I saw 12th Fail by Mr. Vidhu Vinod Chopra. He's a friend of mine. These are occasions when you feel proud to say that you're somebody's friend. It's not an ambitious film, but it's a film about ambition. And to craft such a film and make it work, that is ambitious. And he has embarked upon it. I'm very happy I saw the film. Most of them who saw the film I spoke to had only one thing to say. Long time since we saw a good film like this. I would like to second that motion. Thank you, Vinod Chopra, for making a film like this. It brings back hope in filmmakers like me to confidently go ahead and do what you love most. Restart. अगर आप भी 12th Fail देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको विक्रांत मेधा और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या रहा तेरा रिजल्ट का? IPS। सर। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।